ये थोड़ा जो अच्छे आदमी सबसे पहले से हम खड़े रहते हैं और जब सब आ जाते तो हमको किनारे करने सारे कार्यकर्ता यहाँ व्यापम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि छात्र जो होते हैं वो अच्छे समाज की नींव होते हैं, और अगर हमारी नींव ही कमजोर होगी तो आने वाला समाज बहुत ही खराब होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सदस्य के अलावा जो हमारे आम नागरिक हैं वो भी हमारे साथ जुड़े और इस हमारे अच्छे काम में सहयोग करें। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी शपथ ग्रहण किया, उस पर क्या बोलते हैं? अरविंद जी एक अच्छे काम के लिए आए हैं देश में और ये जनता ने साबित किया है कि वो उनके साथ है, इसलिए हम भी उन्हीं के साथ है और उनके अच्छे कामों में हम सहयोग प्रदान करें। जी हाँ बिल्कुल, हम सब आम आदमी पार्टी की तरफ से बधाई देना चाहते हैं और अरविंद जी का साथ भी देना चाहते हैं कि और हमारी ये सहयोग है करने की अपील है जनता से कि प्लीज आइए और बड़ी से बड़ी मात्राओं में महिलाएं बच्चे सब अरविंद जी के साथ जुड़े। पार्टी ने आज व्यापम में जो घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, उसके खिलाफ आज ज्ञापन दिया प्रदर्शन के साथ। हमारा मानना यह है कि जो दिल्ली में जीत हुई है आम आदमी पार्टी की, वो आम जनता की जीत है और आम जनता की जीत को हम जश्न न मनाते हुए संघर्ष का एक प्रतीक आज हमने प्रारंभ किया है। प्रदेश व्यापी आंदोलन हुआ है, प्रदेश के नेतृत्व ने आज भोपाल में आमरण अनशन चालू किया है, हम लोगों ने आज प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है, इन फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को जेल भेजें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ये हमारी मांग है। आप अपने नाम बता दें। राम किशोर सिंह।